नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोविड पॉजिटिव मरीज भाग निकला, शहर के क्वारंटाइन सेंटर से भागने के लिए कुछ मरीज अलग अलग तकरीब लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार की रात पाँचपौली क्वारंटाइन सेंटर में देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सेंटर के 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके चलते इन मरीजों को एम्बुलेंस से रात 9 बजे उपचार के लिए अस्पताल रवाना करना था। भोजन कराने के पश्चात उनकी रवानगी होनी थी। इसके लिए रात 7 से 8 बजे के बीच कैटर्स की गाड़ी के लिए गेट खोला जाता है। इसके बाद यह मरीज गेट से सटी रेलवे लाइन की दिशा वाली दीवार फाड़ कर भाग निकला। सेंटर की प्रभारी डॉक्टर मीनाक्षी सिंह ने कहा कि इस मरीज की हरकत का पता चलते ही उसे पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया है। उसे आगे के उपचार के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व 17 स्वस्थ हुए मरीजों को सेंटर से डिस्चार्ज किया जा रहा था। इन मरीजों को छोड़े जाने के दौरान एक पॉजिटिव मरीज भी इनमें शामिल हो गया था, लेकिन गिनती होने पर आंकड़ा 18 हो रहा था। इससे संदेह होने पर जांच की गई, जिससे पॉजिटिव मरीज की चालाकी पकड़ में आ गई। तो वही शनिवार को पाँचपौली क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुआ मरीज करीब 3.5 घंटे तक घर में रहा है। परिवार के लोगों के उसके संपर्क में आने की संभावना के चलते उसके परिजनों की जांच की जा रही है। तो वही नागपुर में रविवार को कोविड-19 के 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 49 और नमूने पॉजिटिव आए। अब तक कुल 2,283 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल 36 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर में रविवार को सर्वाधिक 2,215 नमूनों की जांच 5 सरकारी व 2 निजी प्रयोगशाला में की गई। अब आप हमारी चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।